हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये देखिए कितनी तेज़ आंधी तूफान हमारे यहाँ आई हुई है और ये याश जो आंधी और तूफान जो है ये हमारे गार्डन को कितनी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है याश तूफान। और मैं सोच के ही सिहर जाती हूँ दोस्तों कि अभी तो हमारे यहाँ हल्की इसकी झलक आई है तो इतना बर्बाद किया है, और जहाँ पर ये आई होगी वहाँ कितना बुरा क्षति इसने पहुँचाया होगा। देखिए कितनी तेज़ यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है और बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ हो गई है दोस्तों, और देखिए बारिश भी हल्की हो रही है। और ये यास तूफान ने मेरे रात में बहुत ज़्यादा प्लांट्स को क्षति पहुंचाया है। देखिए कितने ज़्यादा प्लांट्स बुरी तरह से गिर गए हैं और कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो दोस्तों ये जहाँ पर आया है वो बहुत ही ख़राब हुआ होगा। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ नज़दीक से, क्योंकि मैं पास में जा नहीं सकती हूँ, जूम करके दिखा रही हूँ ये मेरे सारे प्लांट्स को कितनी बुरी तरह से क्षति पहुँचाया है। और अभी बारिश हो रही है, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ है। तो दोस्तों ये बहुत ही नुकसानदायक हुआ है हमारे साथ। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, सभी प्लांट्स को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया है। और बारिश हो रही है, इधर देखिए मेरे सारे सब्जियों के प्लांट्स और इधर मेरे सभी फूल, ये देखिए चंपा का प्लांट्स गिरा दिया है और ये प्लांट लंबा होने के चलते गिर गया है। और इधर भी बहुत सारे प्लांट्स गिरे पड़े हैं, देखिए ये ये गोरी चोरी का प्लांट इधर भी गिर गया है। और मैं चलिए आपको दिखाती हूँ, इधर सब्जी की बेल है, ये भी सभी गिरे पड़े हुए हैं। तो ये आपदा है दोस्तों, ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें हमारी कुछ हम कर नहीं सकते हैं, ये प्राकृतिक है, जो भी ये करें। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, लग रहा है अभी गमले से प्लांट सभी निकल आएंगे और बारिश भी साथ साथ हो रही है। तो यहाँ देखिए मेरे पतिदेव, सभी गमलों में से थोड़ी बारिश कम हुई है तो पानी सभी गमलों में भर गया, क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो सभी गमलों में पानी भर गया है और पानी निकाल रहे हैं। और पानी भरने के चलते सभी गमलों की रूट्स जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो ढीले हो गए हैं, और हवा इतनी तेज़ थी कि सभी रूट्स को ऊपर ला दिया है हवा ने। और इतने देखिए बड़े बड़े प्लांट्स हैं सो गिर गए हैं। तो दोस्तों हवा के चलते ये प्लांट सभी गिर गए हैं। और देखिए आज रात भी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने वाली है, क्योंकि अभी बहुत तेज़ चल रही है, फिर आज रात में भी बहुत ज़्यादा तूफान आएगी। तो इधर का नज़ारा मैं दिखाती हूँ, देखिए नज़दीक से अब थोड़ी बारिश कम हो गई है तो मैं यहाँ अंदर आई हुई हूँ। और देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना बुरी तरह से ये बड़ा सा प्लांट हो गया है चंपा का, और ये चंपा का प्लांट लग रहा है कि मेरा ख़त्म हो गया है। इधर गोरी चोरी का प्लांट है, तो चलिए उसकी रूट दिखाती हूँ कि रूट्स वो कितना डैमेज कर दिया है। देखिए ये चंपा का रूट्स है, पूरी ऊपर आ गया है इसके रूट्स, और मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि ये मेरा प्लांट बचेगा। देखिए क्या होता है, समझ नहीं आ रहा है। और इस तरह के कई प्लांट्स मेरे हुए हैं, देखिए ये लंबा प्लांट हो गया है, इसके चलते ये लग रहा है कि ये हवा इतनी तेज़ थी कि गिर गया है। और इधर देखिए ये कनेल का प्लांट है, ये सही है अभी, और इधर एक और चंपा का प्लांट है वो भी गिर गया है। तो इस तरह से बहुत प्लांट मेरे नुकसान हुए हैं दोस्तों, और बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं और कुछ प्लांट्स भी नुकसान हुए हैं। तो ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर से इसे हरा भरा करेंगे। और इधर मेरे रोज़ के प्लांट है, देखिए रोज़ के प्लांट में भी पानी लग गए हैं दोस्तों और वो उसके रूट गल गए हैं। तो ये तो सभी रोज़ मेरे लगता है गए, अब ये बचेंगे नहीं, क्योंकि ये पानी भी ज़्यादा लग गए हैं और जो लंबे लंबे प्लांट थे वो उसके रूट ऊपर आ गए हैं। तो रूट ऊपर आ गए हैं तो वो बचना तो मुश्किल है, लेकिन देखिए क्या कर सकते हैं। और इधर के जो मेरे प्लांट्स हैं वो सही है। तो ये प्राकृतिक आपदा है दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं। उसके बीच में ये देखिए ये गुड़हल का प्लांट, और ये सभी मेरे गुड़हल के प्लांट ठीक है और सभी में देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग ले रहे हैं, तो खुशी होती है। और इधर देखिए कनेल का प्लांट है, ये भी बड़ा प्लांट था वो भी गिर गया है और इसके गमले भी टूट गए हैं, इसकी मिट्टी निकल आई है। और यहाँ देखिए एक प्लांट मैंने ये रेलिंग पर रखा है, ये भी प्लांट मेरा रूट निकल आया है, देखिए यहाँ से रूट पूरे निकल आई है और ये प्लांट टेढ़ा हो गया है, ऊपर आ गया है। तो दोस्तों इस तरह कई सारे प्लांट मेरे गिरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, और जब थोड़ी बारिश थमेगी, थोड़ा मौसम ठीक होगा तो सभी प्लांट्स को मैं ठीक करूँगी और सभी को मैं फिर से हरा भरा करूँगी, क्योंकि जितने भी मेरे प्लांट्स टूट गए हैं, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, दूसरे ये मौसम की मार, बहुत ही परेशानी हो रही है हम गार्डनर लोग को, जितने भी हम गार्डनर्स हैं सभी को परेशानी हो रही है। जहाँ जहाँ ये आपदा आई है सभी को बहुत परेशानी हो रही होगी दोस्तों, क्योंकि सभी को प्लांट्स बहुत पसंद होते हैं और सभी ये चाहते कि हमारा प्लांट्स बचा रहे। और ये देखिए इंडोर प्लांट्स, इधर कुछ प्लांट्स मेरे बच गए हैं क्योंकि नेट इसके ऊपर आ गई थी और इस सब को बचा दिया है, देखिए ये नेट खुल के इसके ऊपर आ गई थी, लेकिन सभी में पानी दोस्तों भर गया है क्योंकि इंडोर प्लांट्स ज़्यादा पानी सहता नहीं है। तो देखिए इसमें से कितने बचते हैं और कितने सही होते हैं। और इधर मेरे सारे गुड़हल के प्लांट्स सब सही हो रहे हैं,
देखिए ये डबल हिबिस्कस का प्लांट कितना अच्छा से खिला हुआ है, और जब खिलता है फ्लावर तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अब क्या करें, ये प्राकृतिक आपदा है, इसके साथ साथ सभी को झेलना पड़ता है, और ये झेलने के साथ सभी को ठीक करेंगे दोस्तों। इसी तरह चाहेंगे कि सभी फ्लावर मेरे सभी प्लांट सही रहे और सबके साथ ऐसे ही ब्लूमिंग हो। तो फिर से हम अपने गार्डन में ये काम शुरू करेंगे, जितने भी मेरे प्लांट्स ख़त्म हो गए हैं उनको फिर से लगाएंगे, फिर से सभी सबको सही करेंगे और फिर से हरा भरा अपने गार्डन को करेंगे। तो दोस्तों इस तरह के प्राकृतिक आपदा हमेशा आती रहेगी, इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि कुछ ना कुछ होते रहता है। इस तरह अपने गार्डन का ध्यान रखें दोस्तों, और ये प्राकृतिक आपदा से अपने गार्डन को बचाते रहें। तो देखिए मैं दूर से ये आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा गार्डन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, और इसी तरह हमारे कई सारे दोस्तों का भी गार्डन क्षतिग्रस्त हुआ होगा। तो इस तरह अपने गार्डन को ठीक कीजिए और इस प्राकृतिक आपदा को सहते रहें। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय दोस्तों।